ये है आज की हमारी रेसिपी एक बार बनाएंगे तो आप यकीन मानिए उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आज हम बनाने वाले हैं स्मॉल पटैटो रेसिपी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इतने टेस्टी स्मॉल पटैटो बनते हैं हमारे आप यकीन नहीं करेंगे यदि आप सीजन में बना रहे हैं तो आपको इसका छिलका उतारने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम सीजन में बनाते हैं तो इनका छिलका ऑलरेडी ही बहुत कम होता है और हल्का सही से यदि आप वॉश कर लेंगे तो इसका छिलका आराम से उतर भी जाता है लेकिन अब हम इन्हें गर्मियों के टाइम पर बना रहे हैं तो हमें इनका छिलका उतारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका छिलका बहुत हार्ड हो जाता है इसलिए हमें इनका छिलका उतार लेना ही चाहिए तो देखिए हमने इन्हें धोकर पहले ही साफ़ करके रख लिया है यदि इन्हें आप धोकर छिलका उतारेंगे तो इसमें ज़्यादा आराम से उतर जाएंगे आपके छिलके क्योंकि हमें ये थोड़े से आलू हमारे पुराने हो चुके हैं तो इसलिए इन्हें छिल आराम से छिलका इनका उतारना बहुत ज़रूरी है तो चलिए अब हम सारे छिल कर तैयार कर लेते हैं आलूओं को इस तरह से हमें इन आलू को छील कर तैयार कर लेना है देखिए मैंने सारे आलूओं को छील कर तैयार कर लिया है और पानी में डालकर रख दिया है पानी में डालकर रखेंगे तो ये अच्छे से साफ हो जाएंगे तीन से चार हमें बार इन्हें धो लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धोने में इनकी जितनी भी मिट्टी होगी सब बाहर निकल जाएगी तो तीन से चार बार हम इन्हें जरूर धो लेंगे तो देखिए मैंने आलू धोकर तैयार कर, कर लिए हैं अब हम एक सूखा टावर लेंगे आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं उसे इसे अच्छे से हम पोंछ लेंगे क्योंकि तो इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए सारी नमी को हम बाहर निकाल कर देंगे या आप ये दस मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं पंखे में भी इसे छोड़ सकते हैं तो भी हमारे आलू तैयार हो जाएंगे इस तरह से तो इस तरह से हमें आलू को सुखा कर तैयार कर लेना है यदि आप जल्दी कर रहे हैं बनाना चाहते हैं तो इन्हें कपड़े में पहुँच कर बना कर सुखा कर तैयार कर लेंगे तो देखिए आलू हमारे बिल्कुल सूख चुके हैं अब हम गैस के पास चलेंगे तो गैस पर मैंने देखिए कढ़ाई को पहले ही रख दिया था थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया है ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है अब हमने जो आलू अपने सुखा कर रखे थे उन्हें इसमें कढ़ाई में डाल देंगे और इन्हें थोड़ा सा रोस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हल्का सा रोस्ट करना है हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें इन्हें रोस्ट कर लेना है यदि आप इन्हें बॉईल कर कर बनाना चाहते हैं उस तरह से भी आप इन्हें हल्की सी एक विशील लगा कर छील कर तैयार करके बना सकते हैं तब भी बहुत टेस्टी आलू बनकर तैयार होते हैं तो इस तरह से देखिए हमने इन्हें छील लिया है और अब इन्हें कढ़ाई में डालकर छोड़ दिया है अब हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें ऐसे ही भूनते रहेंगे तो देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं आलू हमारे अब हम इन्हें एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है हल्के से ऑयल में ही ये हमारे आलू इस तरह से बुन तैयार हो जाते हैं सारे आलूओं को हम इसी तरह से बाहर निकाल कर तैयार कर लेंगे जितना भी ऑयल इसमें बचा है उसे हम कढ़ाई में ही रहने देंगे हमें बहुत ज़्यादा क्विंटिटी में ऑयल की ज़रूरत नहीं है बहुत कम ऑयल में हमारी ये सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार होगी तो देखिए आलू भी हमारे भुन कर तैयार हो चुके हैं अभी इसी ऑयल में हमने थोड़ा सा आधा टी स्पून जीरा लेना है या आप मेथी में छोंकना चाहते हैं तो मेथी में डाल सकते हैं या आप जीरे में छोंकना चाहते हैं तो जीरे में छोंक सकते हैं हम आधा टीस्पून जीरा डालेंगे अब हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता यदि आप कड़ी पत्ता खाते हैं तो फ्रेश कड़ी पत्ता डाल सकते हैं यदि आपके पास सूखा कड़ी पत्ता है तो उसे भी डाल सकते हैं उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब हमने दो प्याजों को बारीक चॉप करके कर रख लिया था उन्हें डालेंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें प्याज को ऐसे ही भून कर तैयार कर लेना है बहुत ज़्यादा हमें प्याज को भी नहीं भूनना है हल्का सा गोल्डन ब्राउन ये रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राई करें इतनी अच्छी रेसिपी बनती है यदि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा अब हम दो से तीन इसमें लहसुन की कदिया डालेंगे यदि आप लहसुन खाते हैं तो डाल सकते हैं और यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं फिर से हम थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारी प्याज अच्छे से भुनी नहीं है प्याज अभी कच्ची है तो थोड़ा सा हम और रोस्ट करेंगे तो देखिए हमने थोड़ा सा इसे और रोस्ट कर लिया है अब जो हमने टमाटर डाले थे पीस के रखे हुए थे उन्हें भी इसमें डाल देंगे यदि आप टमाटर को मोटा मोटा काट कर डालना चाहें तो उन्हें भी इस तरह भी डाल सकते हैं लेकिन हमें थोड़ी सी रेशे वाली सब्जी तैयार करनी है तो हमने टमाटर को पहले ही पीस कर रख लिया था एक मिनट तक हम टमाटर को ऐसे ही भूनेंगे अब हम इसमें दो बारी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे थोड़ा सा मैंने अदरक को ग्रेट कर कर रख लिया था उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और यदि आप चाहें तो इनका पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब हम सारी चीज़ों को पाँच मिनट तक ढक कर पकाएंगे और पाँच मिनट देखिए हो चुके हैं अब हम सारी चीज़ों को इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और एक पेस्ट के रूप में हम इन्हें तैयार कर लेना है फिर से हम गैस के पास चलेंगे अब हम गैस पर कढ़ाई को रखेंगे और इसमें आधा टी स्पून या एक स्पून आप घी डाल सकते हैं मैंने एक टी स्पून घी डाल दिया है क्योंकि घी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू की सब्जी में यदि आप आलू की सब्ज़ी घी में बनाएंगे तो उसका टेस्ट डबल हो जाएगा अब दो मैंने बड़ी लाल मिर्ची सूखी ली हैं इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे और इन्हें हल्का सा हम रोस्ट होने देंगे और मिर्ची को हम भूनने देंगे मिर्ची हमारी भुन चुकी है अब हमने जो ग्रेवी तैयार की थी उसे इसमें डाल देंगे देखिए ग्रेवी हमने डाल दी है और ऑयल भी देखिए जितना हमने ऑयल डाला था सारा ऊपर घी हमने डाला था इसमें वो सब ऊपर आ चुका है तो अब हम अपने इसमें मसाले ऐड करेंगे एक हल्दी पाउडर एक स्पून धनिया पाउडर नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं मैंने आधा टी स्पून के करीब ही नमक डाला है तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे एक टीस्पून डालेंगे हम इसमें कलर वाली मिर्ची ये कलर तीखी वाली नहीं है आधा टीस्पून हमने अमचूर पाउडर डाला है अब आध एक स्पून हमने डाला है आलू का मसाला आप आलू दम का मसाला डाल सकते हैं अब सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे इस तरह से हम एक मिनट इसे ऐसे ही पहले भून लेंगे अब हम इसे पाँच मिनट के लिए ढककर पकाएंगे इस तरह से आप आलू दम या आलू की स्मॉल आलू पटाटो आप बना सकते हैं देखिए पाँच मिनट हो चुके हैं इस तरह से हमारी ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार हो चुकी है अब हम अपने जो हमने पटैटो भून के रखे थे उन्हें इसमें डाल देंगे फिर से हम इन्हें दो मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे दो मिनट हो चुके हैं अब हम इन्हें फिर से पाँच मिनट के लिए ढककर पकाएंगे जब तक हमारे पटैटो गल नहीं जाते तो इस तरह से हमें देखिए पाँच मिनट हो चुके हैं और अच्छे से हमारी जो सब्जी है उसने ऑयल अच्छे से छोड़ चुका चुकी है और अच्छे से हमारे आलू भी गल चुके हैं अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे इसे हाथ से क्रश कर 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 आप कसूरी मेथी को डाल सकते हैं तो इस तरह से आप इस सब्जी को तैयार कर सकते हैं अब एक कटोरी हम पानी लेंगे या आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसे थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसमें इस तरह से अब हम थोड़ी सी हमने मलाई को फेंट कर तैयार कर लिया था यदि आपके पास मलाई नहीं है क्रीम है तो आप क्रीम भी यूज कर सकते हैं इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो इस तरह से आप इन पटैटो को बना कर खा सकते हैं और इतनी अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होती है आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका खाने का मन करेगा इतनी टेस्टी सब्जी बनती है उसी कटोरी में हम आधा कटोरी और पानी लेंगे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और दो मिनट तक इस सब्जी को हम ऐसे ही पकाते रहेंगे तो देखिए हमारे स्मॉल पटैटो रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है अब आपको इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है हमें कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें मलाई ऐड की है अब सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक बाउल लेंगे और बाउल में इस सब्जी को ट्रांसफ़र कर लेंगे ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है आप वो एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और यदि आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप इस सब्जी को बना सकते हैं थोड़ा सा हम हरा धनिया लेंगे और हरी धनिया से इसे डेकोरेट कर देंगे तो लीजिए हमारी स्मॉल पटेटो रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है आप इस सब्जी को रोटी से पराठे से चावल से पूड़ी से किसी के साथ भी खा सकते हैं जिसके साथ खाएंगे आप उसी के साथ ये बहुत टेस्टी सब्जी लगेगी आई होप आपको मेरे स्मॉल पटेटो की रेसिपी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे ही नई नई रेसिपी लेकर मैं आती रहूँगी तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ टेक केयर गुड बाय